और आप देख रहे हैं द बाइकर 360। सो किसी भी राइड को करने से पहले हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, और जब आप एज अ सोलो राइडर ट्रेवल कर रहे हो तो आप और भी अधिक तैयारियां करते हैं और भी अधिक जानकारियां रखते हैं। आज हम यही बताने वाले हैं कि मैंने अपनी पहली सोलो राइड से पहले जो मेरी रॉयल राजस्थान जर्नी है उससे पहले क्या क्या प्रिपरेशन कर लिया है। तो आप देखें, मैंने ये राइडिंग जैकेट पहन रखी है। इस राइडिंग जैकेट की क्या विशेषता है और हर एक किसी राइडर को इस टाइप की जैकेट पहनना जरूरी है लॉन्ग राइड से, और क्या विशेषता है इस जैकेट की, देखते हैं। इस जैकेट को मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, आप देख सकते हैं ये जैकेट। तो इस राइडिंग जैकेट में तीन लेयर्स हैं। ये है विंटर लेयर, ये है वाटरप्रूफ लेयर जो आपकी जैकेट को प्रोटेक्ट करती है रेन में, और ये है समर लेयर जो टॉप लेयर है, समर लेयर। इसमें वेंट्स बने हुए हवा पास होने के लिए। तो जब आप इस टाइप की जैकेट पहनते हैं आप इसको किसी भी मौसम में पहन सकते हैं। दूसरी चीज, आपकी एल्बो के पास यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव गार्ड है, आपकी शोल्डर के पास गार्ड्स लगे हुए हैं जो कि किसी भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अगर आप सपोज गिर जाए कहीं पे, एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको छोटी मोटी चोट से बचाने के लिए काफी है। सो इसमें आप देख सकते हैं बैक सपोर्ट भी लगा हुआ है जो आपकी बैक बोन को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से। अब आगे बात करते हैं अपनी राइडिंग पैंट के बारे में। तो ये मेरी राइडिंग पैंट है जो कि एडजस्टेबल फिटिंग के साथ है। इसमें मेरी जैकेट की तरह ही तीन लेयर्स हैं, विंटर लेयर, देन वाटरप्रूफ कवर एंड समर लेयर। यहाँ पे नी गार्ड लगा हुआ है जो कि आपकी नी को प्रोटेक्ट करता है, साइड गार्ड्स जो कि आपकी थाइस को प्रोटेक्ट करता है, और आपकी साइड बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। आप देख सकते हैं इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है जो कि आपको गर्मी हो सर्दी हो किसी भी सीजन में आप इस राइडिंग पैंट को इजीली पहन सकते हैं। राइडिंग पैंट्स के बाद आते हैं हम आगे, और क्या क्या प्रिपरेशन करी है हमने। ये सैडल बैग है, इस बैग में मैं कुछ फूड आइटम्स रखूंगा, और ये है मेरा स्लीपिंग बैग जो कि आप देख सकते हैं आगे की जर्नी में कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। ये मेरा दूसरा सैडल बैग है, इसके अंदर मैंने रखा हुआ है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, टूल किट्स है मेरी बाइक के लिए। ये है क्लच वायर, ये एक्स्ट्रा ट्यूब है, एक स्पेयर ट्यूब रखना जरूरी है क्योंकि मेरी बाइक ट्यूबलेस नहीं है। पंक्चर किट्स, पंक्चर टूल्स, किसी भी पंक्चर को बनाने के लिए किसी भी सिचुएशन में आपको जरूरत पड़ सकते हैं। तो ये है एक्स्ट्रा चेन लॉक जो कि लॉन्ग राइड में आपकी चेन के लिए बहुत जरूरत होती है, कभी चेन आपकी टूट गई बाइक की तो ये नेसेसरी होती है उसको फिक्स करने के लिए। ये है फ्यूज, अगर आपकी बाइक का कोई भी फ्यूज खराब हो जाता है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, सो हमेशा एक एक्स्ट्रा फ्यूज जरूर रखें। इसके अलावा मैं इसमें 1 लीटर इंजन ऑयल भी एक्स्ट्रा रखूंगा जो कि आगे जरूरत पड़ सकता है, आपके पास पड़ा होना चाहिए आपकी बाइक के लिए। आगे बढ़ते हैं हम, ये मेरा बैग है जिसमें मैं अपने कपड़े ऑब्वियसली रखूंगा, एंड ये है कैंपिंग टेंट जो कि दो लोगों के लिए अच्छा है और कहीं भी यूज किया जा सकता है इसको। आगे ये है बंजी केबल्स जिसको हम सामान बांधने के लिए यूज करते हैं, और एटलीस्ट आप 4 से 6 बंजी केबल्स मिनिमम जरूर रखें अपने सामान को बांधने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सो ये है मेरा हेलमेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी राइडर के लिए। इसके बाद बात करते हैं अदर एसेसरीज जो मैं यूज कर रहा हूं। ये है लैपटॉप, देन ये है स्टिक मेरे कैमरे के लिए, एक्शन कैमरे के लिए, और ये है एक्शन कैमरा जो मैं यूज करने वाला हूँ इस ट्रिप में, मेरा फोन, देन पावर बैंक जो कि बहुत नेसेसरी होता है लॉन्ग राइड्स में। इसके अलावा एक्शन कैमरे का माउंट, और यह है मेरा पाउच, इसमें कुछ नेसेसरी आइटम्स हैं, माइक है, केबल्स हैं, एक्स्ट्रा बैटरी है मेरे एक्शन कैमरा के लिए, चार्जर, ये मेरे शेड्स हैं जो कि मुझे धूप और धूल
दोनों से बचाते हैं। प्लस अगर दिन में भी कुछ कीड़े या रात में भी कुछ कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो उनसे भी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये है फर्स्ट एड किट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रखना ना भूलें। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे रखे हुए सामान से कि मैं अपनी जर्नी के लिए तैयार हूँ, और आप भी अपनी जर्नी को जाने से पहले अपनी एक लिस्ट बनाइए क्या क्या सामान आप ले जाने वाले हैं और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। तो आपसे मिलते हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, जो कि मेरी रॉयल राजस्थान जर्नी का पहला डेस्टिनेशन पॉइंट है, बीकानेर में।